नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। धरियावत के आंगनवाड़ी केंद्र पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत बच्चों का पोषण बेहतर हो इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। साथ ही प्रदर्शनी में समुदाय के लोगों को व्यंजनों की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। इस मौके पर तहसीलदार संजय चरपोटा द्वारा व्यंजन बनाकर लाने वालों को सम्मानित किया गया और कहा कि इस प्रकार गतिविधियों में भाग लेकर समुदाय को जागरूक करने की पहल सराहनीय है। राजसमंद में उपचुनाव की सरगर्मियां चरम पर है, लेकिन नामांकन के दो दिन बीत जाने के बाद भी दोनों ही प्रमुख दल भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों के चेहरे से पर्दा नहीं हटाया है। दोनों ही पार्टी प्रत्याशी के पैनल की बात करें तो कांग्रेस के जहां तनसुख बोहरा और आशा पालीवाल के नाम पर मंथन चल रहा है, तो वहीं बीजेपी से तीन प्रमुख दावेदार जगदीश पालीवाल, दीप्ति किरण महेश्वरी और महेंद्र कोठारी के नामों पर गहन मंथन किया जा रहा है। ऐसे में प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं होने पर जनता प्रत्याशी के चेहरे को लेकर क्या सोचती है, यह भाव हमने जनता के बीच में जाकर जाना और जनता ने खुलकर अपना विचार प्रकट किया। आपको बता दें कि भाजपा के कद्दावर नेता किरण महेश्वरी के निधन के बाद राजसमंद से उनका पद खाली हुआ है, जिसको लेकर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों की भी घोषणा कर दी है। 23 मार्च से 30 मार्च तक नामांकन दाखिल होना है, लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टियों से प्रत्याशियों के चेहरा साफ नहीं है। सर, इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग सर क्या जो स्थानीय है हमारे युवा कार्यकर्ता, उनको ये प्रबल दावेदारी दी जानी चाहिए हमारे हिसाब से। इसमें भी जो जगदीश जी पालीवाल भाई साहब हैं, उनको ये इस बार ये उपलब्धि उनको लेनी चाहिए पार्टी को। तो हमारे प्रबल कार्यकर्ता हैं, जो दावेदारी है वो जगदीश जी पालीवाल को है। सर, विकास के मुद्दों पे अगर बात की जाए तो भाई साहब सबसे ज़्यादा सक्रिय है, युवा के संपर्क में भी रहे हैं और जो विकास की बात आती है तो वो उन्होंने हर वक्त हर काम आगे रखे उन्होंने करवाया है। तो हम राजस्थान में जिस तरह की कांग्रेस सरकार है तो उसके हिसाब से कांग्रेस सरकार नाकाम रही है। बढ़ते दुष्कर्म, लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और चोरी की वारदात हो रही है। इस समय में कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए हम इस बार भाजपा को ही वोट देंगे और भाजपा को ही जिताएंगे। पार्टी के तरफ से जो भी हमारे उम्मीदवार हैं, सभी ने उम्मीदवारी जताई है, तो पार्टी आलाकमान जिसको भी अच्छा उम्मीदवार जीताऊ कैंडिडेट देखेंगे उनको हमें प्रत्याशी बना के भेजेंगे, क्योंकि राजसमंद काफ़ी लंबे अरसे से बीजेपी का यहाँ पे विधायक बनने की वजह से विकास एक तरीके से ठप हो गया, तो निश्चित ही इस बार जनता का मानस, आप जनता जैसे नगरपालिका को हमारे को अभी इतने सालों बाद जीत के नगरपालिका में हमारा चेयरमैन बना, हमारा बोर्ड बना, उसी आधार पर पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, नगर परिषद में सभी जने एक बार इस बार परिवर्तन की लहर चाहते हैं। जनता ये चाहती है कि कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत सरकार के हाथ को मजबूत करें। भीम उपखंड के बरार ग्राम पंचायत में आबकारी विभाग ने एक मकान में दबिश देकर 60,000 की राजस्थान निर्मित अवैध शराब बरामद की। इस पर आबकारी थाना अधिकारी ओम सिंह चुंडावत ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर जिला आबकारी अधिकारी विवेकानंद शर्मा और आबकारी अधिकारी विजय जोशी के निर्देशन में कामली घाट आबकारी दल ने बरार ग्राम पंचायत में एक मकान में दबिश देकर 18 कार्टून से 108 बोतल और 332 पौवे बरामद किए। साथ ही आबकारी दल को देख मौके से आरोपी फरार हुए। ओम सिंह चुंडावत, आबकारी थाना अधिकारी कामली घाट को मुखबिर से सूचना मिली कि ब्रार पंचायत के दपटा गांव में कुशाल सिंह सनोत माधु सिंह अपने घर पर अवैध शराब का व्यापार कर रहा है। श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी विवेकानंद शर्मा एवं आबकारी अधिकारी विजय जोशी जी के निर्देशन में उसके मकान पर मैं दल दबिश दी गई तो उसके मकान से 18 कार्टून में 108 बोतल एवं 432 पवे अवैध देसी शराब के राजस्थान निर्मित के बरामद हुए। अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी धरपकड़ जारी है। ज्ञात हो कि ब्रार पंचायत के ग्रामवासी एक तरफ तो शराबबंदी का माहौल बना रहे हैं और दूसरी तरफ अवैध शराब का व्यापार पनपा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और आजादी का अमृत महोत्सव राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की पुण्यतिथि व शहीद दिवस पर अहिंसा यात्रा का आयोजन किया गया। कपासन कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के NSS के छात्र व RNT कॉलेज के NCC कैडेट ने यह अहिंसा यात्रा निकाली। कपासन के पुराने चुंगी नाके से तहसीलदार मोकम सिंह, गांधी दर्शन समिति के संयोजक शंकरलाल प्रजापत ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहिंसा यात्रा पुरानी चुंगी नाका से 5 बत्ती चौराहा तक देशभक्ति के नारों के साथ निकाली गई।
अग्रवाल हॉस्पिटल फालना में कार्यरत डॉक्टर ललित चौहान की अनुपम सेवा को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अंशदीप ने उनके व्यवस्थापक नेताराम चौधरी को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसी कार्य को देखते हुए फालना उद्योग व्यापार संघ के उपाध्यक्ष भोपाल सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में डॉक्टर चौहान का साफा माला के साथ सम्मान किया गया। डॉक्टर चौहान पिछले 4 वर्षों से सरकारी अस्पताल में अपनी एक दिन की निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द पीपल वॉइस।